नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 2 मिशन को इस वक्त झटका लगा जब इसके लैंडर विक्रम का बीती रात चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। संपर्क तब टूटा जब लैंडर चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। विक्रम ने रफ ब्रेकिंग और फाइन ब्रेकिंग चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसका संपर्क धरती पर मौजूद स्टेशन से टूट गया। इसके साथ ही वैज्ञानिकों और देश के लोगों के चेहरे पर निराशा की लकीरें छा गई। असल में चंद्रयान 2 मिशन का बेहद मुश्किल भरा अभियान था। अगर भारत की कोशिश कामयाब होती तो वो इस उपलब्धि को हासिल कर पाने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश होता। लेकिन क्या आप जानते हैं ये दोनों महिलाएं कौन हैं? बता दें, ये दोनों महिलाएं इसरो की रॉकेट वुमेन हैं, जिन्होंने चांद पर भारत का दबदबा कायम करने के सपने को सच किया है। इस सपने की खातिर दोनों ने दिन रात एक कर दिया। इसरो से पहला नाम है मुथैया वनिथा का, जो कि मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। वहीं दूसरी रितु करिधल है, जो चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर है। मुथैया वनिथा सैटेलाइट कम्युनिकेशन की एक्सपर्ट है। वो चंद्रयान 2 मिशन से पहले भारत के पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोजेक्ट कास्टोसैट 1 और ऑसेन सैट 2 प्रोजेक्ट की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं। वनिथा पिछले 32 सालों से इसरो के लिए काम कर रही हैं, मंगलयान मिशन से भी जुड़ी हुई हैं। बता दें, उम्र के 40वें पड़ाव में प्रवेश कर चुकी मुथैया वनिथा इसरो में अपने काम से बड़ी पहचान बनाती हैं। चंद्रयान 2 मिशन में वो पहली महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर मुथैया ने इससे पहले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के जरिए डेटा ऑपरेशन में महत्वपूर्ण काम किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिविन ने मीडिया को दिए बयान में कहा था कि इसरो में लिंग भेद बिल्कुल नहीं है, हर काबिल व्यक्ति को बेहतरीन काम करने का मौका मिलता है। चंद्रयान 2 में 30% महिलाएं वैज्ञानिक इसका उदाहरण है। 2006 में विनीता को इलेक्ट्रॉनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया था। साइंस जर्नल नेचर ने उनका नाम उन 5 वैज्ञानिकों की श्रेणी में रखा था जिन पर 2019 में नजर रहेगी। वहीं चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर रितु करिधल मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर थी। उन्होंने चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के समय एक साक्षात्कार में कहा कि अक्सर ये कहा जाता है कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। पुरुष मंगल ग्रह से आते हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से आती हैं। फिर मंगल अभियान की सफलता के बाद कई लोग महिला वैज्ञानिकों को मंगल की महिलाएं कहने लगे हैं। 1997 से इसरो के साथ काम कर रही रितु करिधल को 2007 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से इसरो का प्रतिष्ठित यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। रितु के मुताबिक, तारों ने मुझे हमेशा अपनी ओर खींचा, मैं सोचती थी कि अंतरिक्ष के अंधेरे के उस पार क्या है, विज्ञान मेरे लिए विषय नहीं जुनून था। रितु ने इसरो में कई अहम प्रोजेक्ट किए, पर मंगलयान की उप परियोजना निदेशक के रूप में वो इस मिशन को सबसे बड़ी चुनौती मानती है। बता दें, रितु ने लखनऊ विश्वविद्यालय से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। गेट पास करने के बाद मास्टर डिग्री के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ज्वाइन किया। यहाँ से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री ली। 1997 से इसरो से जुड़ी मंगलयान में डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर रही, साथ ही अब चंद्रयान 2 में मिशन डायरेक्टर। आपको बता दें, ये दो वो नाम हैं जो मिशन को लीड कर रही हैं। इनके अलावा भी चंद्रयान 2 मिशन में बड़ी संख्या में महिलाओं का योगदान है। इस पूरे मिशन को टीम में शामिल 30% महिलाओं ने भी सफल बनाने में दिन रात लगाए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।